चलो हमारे पास एक वीडियो है, पहले वीडियो को देखते हैं। वीडियो के अंदर देखने के से हमें क्या पता चलेगा, मैं बस देखो वीडियो में ये मोमेंट है यहाँ पे बगल में आपको देख रहे हैं, लाइट का एंगल इधर से शैडो इधर जा रहा है, तो मुझे अभी क्या करना है, फॉरेस्ट में जाना है, फॉरेस्ट ढूंढना है, गूगल में आकर फॉरेस्ट ढूंढूंगा, यहाँ पे एंगल ऐसे ही कुछ मिल जाए तो वेल एंड गुड है। हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ चेंज करके नहीं करेंगे, जैसे 3D में काम करते हैं तो 3D में हम लोग यही सेम एंगल से हम लोग सीन बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड ढूंढना है, तो बैकग्राउंड में मुझे यहाँ पे एंगल ऐसे ढूंढना है जिसमें मेरे पास यहाँ पे कुछ काम मिल सके, ठीक है। तो भी मैं यहाँ पे देखो मुझे यहाँ से कुछ ऐसा मैनेज करना है, वैसे बैकग्राउंड में ही लगाना है, तो बैकग्राउंड में अगर मैं देखूँ बस लाइट का एंगल ही मैच करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे गए सिंपल टूल पे गए, साइज पे गए एंड लार्ज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दिस वन लाइट का एंगल पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको पहले क्रॉस चेक करना है, अपना दिमाग लगाओ कि आपका दिमाग कहाँ पर कितना काम करता है। यहाँ देखो यहाँ पे लाइट का एंगल पता चल रहा है क्या, ये एंगल इधर से, ठीक है। और देखें यहाँ पे, यहाँ देखो लाइट का एंगल कैसे जा रहा है, शैडो की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, मतलब हमें ऐसा कुछ लेके चलना है जहाँ पे मैं चीज़ों को रखूँ, लाइट का एंगल किधर जा रहा है, ठीक है, काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं सेव करना चाहता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेव किया, ठीक है। और यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज सेव किया, कम से कम एक दो इमेज सेव करो ताकि हमें लगे कि अगर कोई वहाँ पे मैच नहीं कर पाए तो हम लोग कोई दूसरा भी पार्ट हम लोग वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करना है, प्रोपोर्शन देखना है, ठीक है, एक बार में सब कुछ बहुत बड़े नहीं दिखेगा, तो मेक श्योर थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी सिमिलर में देखोगे तो सिमिलर में कुछ चीज़ आपको देखेंगे यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो कैसे क्या कर सकता हूँ। जब बैकग्राउंड में देखना यहाँ पे, बैकग्राउंड में देखोगे तो ऐसा बैकग्राउंड भी मैं पीछे की तरफ और मैच करना चाहूँ तो काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइट देखो, लाइट का एंगल इधर दिख रहा है यहाँ पे, स्पैकुलर वाला पार्ट, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे, चलो हम लोगों ने यहाँ पे एक दो इमेज हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब दो इमेज निकालने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना, चलते हैं न्यूक पे, ठीक है। न्यूक मैंने यहाँ पे मैं ये फर्स्ट शॉट हमने किया यहाँ पे, ठीक है। मैं जाता हूँ एक शॉट आपको यहाँ पे और दिखाऊँ कि शॉट टू में हम लोग कैसे चीज़ों को मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, वापस गए, सेम चीज़ मैंने आपको जो मैंने बताया कि अब क्या करना है, एक फोल्डर मेंटेन करना है। फोल्डर मेंटेन करना है, मुझे अगर ऐसा कुछ चाहिए तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, पहले तो यहाँ से बंद कर लेते हैं यहाँ पे दिस वन, इसको डाकर मैंने यहाँ पे डाल दिया। एक फोल्डर मेंटेन करना पहला काम, फोल्डर के अंदर जो आपको इमेज कंपोज करना है वो रखना है, वीडियो जो रखना है वो आपको यहाँ रखना है, ठीक है। आफ्टर डन, ठीक है। UI में अपना अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेता हूँ, नोट को यहाँ पे लिया और इसको मैंने कस्टमाइज कर लिया, ठीक है। मिडिल माउस बटन से पैन कर रहा हूँ, स्क्रॉलिंग से जूम इन जूम आउट, ठीक है। यहाँ पे गए शॉर्ट पे गए, ठीक है। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग आप यहाँ पे ला कर डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा पार्ट आपने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग किया किया आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसे इमेज लाने से फाइल क्रैश भी हो जाती है, कई बार ऐसे फाइल को रीड नहीं कर पाते, तो कॉमन सी बात है, ठीक है। तो सरप्राइज मत होना चाहिए, दिख रहा है गोल गोल घूम रहा है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि हाँ भाई वो फाइल क्रैश भी हो सकती है, तो टेंशन नहीं लेना, हो गया ना, तो रिलैक्स है ना, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। कुछ इमेज के फॉर्मेट रीड नहीं कर पाते हैं, जैसे हमने देखा ना वो लास्ट टेस्ट में तो हैश था, हैश के वैसे पूरा का पूरा सीन ही वहाँ पे मैनेज करना, तो चीज़ होती है ज़्यादा फोल्डर के अंदर आप फोल्डर बनाओ और अंदर जाओ तो उसमें भी वो चीज़ रीड नहीं कर पाते, उसको नॉर्मल से पार्ट चाहिए कि भाई डायरेक्ट एक्सेस मिले, ठीक है। तो कई रीज़न हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ पर क्रॉस कर ले, ये मैंने इससे क्लिक एंड रखे, यहाँ पर क्लिक एंड रखा तो ये सही आ रहा है, इसके ये सही आ रहा है, ठीक है। नोट पे गए, यहाँ से मैंने क्या किया, कस्टमाइज कर लिया यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा छोटा करना है, छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना काम तो हम लोग कर ही लेंगे, अभी मैं थोड़ा सा और सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बस ग्रीन स्क्रीन है, इस पर मैंने 1 प्रेस कर दिया, इमेज साइज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अभी मुझे टैप प्रेस करना है, ठीक है, तो जो लिखने वाले लिखेंगे टैप प्रेस करो, टैप प्रेस करने पे यहाँ पे क्या लेना है, क्रोमा कीयर, ठीक है। अभी क्रोमा कीयर लेंगे, क्रोमा कीयर काम क्या करता है, ये कोई भी ग्रीन ब्लू या कोई भी ऐसा कलर आपको पिक करना है, पिक करके हटा सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ब्लैक पे यहाँ पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आके मैं सिंपल क्लिक करता हूँ तो कुछ होता नहीं है, कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, ठीक है। आफ्टर देन यहाँ पे देखो ए प्रेस करके देखो, ए फॉर अल्फा। पहले शॉट में हमने जो काम किया उसमें बहुत इजी वे में हो गया है, तो यहाँ पे देखे कुछ और अलग सा पार्ट,
ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे स्क्रीन ग्रेन है, कम हो रहा है क्या यहाँ पे, पीछे कुछ दिख रहा था यहाँ पे, ये देखो कम किया हमने यहाँ पे, देन यहाँ पे ए प्रेस करके देखा था यहाँ पे चाहिए तो ऐसा ऐसा पार्ट देखेगा यहाँ पे। ओके प्ले करके देखो आप यहाँ पे, बेसिक सा पार्ट आपका भी देखना स्टार्ट हो जाएगा कि चलो ऐसा कुछ काम है हमारे पास। ठीक है, बारीकी में जाएंगे तो बहुत कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ए फॉर अल्फा कर दिया, मुझे यहाँ पे जो कॉर्नर पार्ट है यहाँ पे देखो बहुत ही साफ है, जिस दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, इसको मुझे थोड़ा सा ब्लर करना है तो टैप प्रेस किया ई डी जी, एज ब्लर होता है यहाँ पे, एज ब्लर पे गए, एज ब्लर में आप यहाँ पे देखोगे तो एज ब्लर में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, देख रहे ब्लर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रॉस चेक करना। ये मैंने लॉक वन कर दिया, लॉक कर दिया मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए साइज पे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एज पे ही ब्लर हो रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे कितना ब्लर करना चाहते हो ये इतना पार्ट आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट देखें जिसको मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रही, हाँ तो देखना पे क्रोमा पे गए यहाँ पे, ठीक है क्रोमा ग्रेन यहाँ पे, ओके इनके अंदर मैं कलर के साथ भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, बस अलग अलग चीज़ें भी हैं तो इसके अंदर हम लोग अलग टाइप से चीज़ों को बैलेंस भी करेंगे, मुझे कैसे क्या काम करना है तो वो भी अभी करेंगे, फर्स्ट लेवल है तो फर्स्ट लेवल में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ए प्रेस कर दिया यहाँ पे, अभी ये पार्ट में बस यहाँ पर हो गया क्रोमा की मेरा यहाँ से रिमूव हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बैकग्राउंड लगाते हैं, बैकग्राउंड लगाने के लिए वन एंड टू दोनों को सेलेक्ट करके एम प्रेस कर दिया, एम फॉर बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया मर्ज, मेरे पास यहाँ पे देखो बी इधर आ रहा है, बी मुझे कहाँ जाना चाहिए, बी मेरे पास हमेशा बैकग्राउंड में जाना चाहिए, ए मेरे पास यहाँ पर आएगा और बी मेरे पास यहाँ पर आएगा, तो अभी देखना ये कैसा पार्ट जा रहा है। अब चाहिए कि देखो यहाँ पे साइज बहुत बड़ा है, ये ऐसा ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, स्ट्रेस दिख रहा है वन प्रेस करके देखो इसका साइज बड़ा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे टू प्रेस के तो इसका साइज छोटा है, 1920 है वन एंड टू, तो साइज बड़ा छोटा है, तो हम लोग साइज को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं टैप प्रेस करते हैं रीफॉर्मेट लेते हैं, रीफॉर्मेट लिया मैंने यहाँ पे, रीफॉर्मेट यहाँ पे आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग दे देना है, 1920 है ना तो 1920 1080 कर दो, अपने आप वो चीज़ों को मैनेज कर देगा, फर्स्ट सेकेंड देन यहाँ पे के वन प्रेस कर देता। अभी देखो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको यहाँ पे लाइट का एंगल, लाइट का पार्ट, काफ़ी हद तक चीज़ें हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, आपको कलर करेक्शन करना है, अभी आप ग्रीन स्क्रीन पर अपना काम करना तो आप यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पर इतना काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा अभी अभी इतना पार्ट हमने सेट कर दिया, अभी हम लोगों को क्या करना है कलर करेक्शन है, नोट को आपको मैनेज करना है। ठीक है, सेलेक्ट करना है यहाँ पे और यहाँ पे क्या करोगे आप कंट्रोल प्रेस करो, बीच में डॉट दिखता है, ये कंट्रोल प्रेस करके डॉट आप यहाँ पे ऐसे मैनेज कर देना तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, साफ सुथरा रहता है तो और अच्छा लगता है। ठीक है, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करना, मैं थोड़ा सा एक दो नोट्स यहाँ पे ऐड ऑन करके दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। अभी यहाँ से मुझे मैनेज किस में करना है, इसमें मैनेज करना है, इसमें मैनेज करना है, ये हमें देखना है, तो दोनों को मैच करने के लिए अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं बैकग्राउंड को पकड़ता हूँ, बैकग्राउंड में जाकर यहाँ मैंने क्या किया टैप प्रेस किया ग्रेड, कलर करेक्शन के लिए हमेशा आपको ग्रेड पे ही आना है। ठीक है, अभी कुछ लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि मैं ऐसे देख के यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने यहाँ पे गामा पे गया, गामा पे ये आपका दिख रहा है सिंपल कलर व्हील दिख रहा है, लेफ्ट क्लिक करोगे क्या देखना 13 वर्जन है तो आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे पुराने पुराने वर्जन में अलग टाइप से भी खुल के आएगा, तो कन्फ्यूज मत होना, चीज़ें वही हैं। यहाँ से मुझे क्या करना, रेड रेड इसमें यहाँ पे थोड़ा सा दें, ग्रीन है, ग्रीन ज़्यादा तो ग्रीन को यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देन ब्लू है, ब्लू के साथ मैं थोड़ा सा बैलेंस करूँ, तो मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई मुझे कैसे क्या चीज़ मैनेज करना है, एडजस्टमेंट हमें चाहिए क्या, एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं तो किस टाइप से काम कर सके यहाँ पे। दूसरा पार्ट, एक तो प्रोसेस ये होता है कि मैंने यहाँ पे काम कर दिया, यहाँ पे चीज़ों को देख लिया, दूसरा प्रोसेस आपको यहाँ पे क्या होता है, ये काम मैं इसमें भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैंने टैप प्रेस कर दिया ग्रेड यहाँ पे, ग्रेड एक ही बार में जरूरी नहीं है, दो बार भी ले सकते हो, तीन बार भी ले सकते हो, आपको एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ पे गए। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे इसको भी इधर से मैं मैनेज करके देखूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बैलेंस लगना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे टर्न कर रहा हूँ, टर्न करके मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे लाइक किस टाइप से चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करें, येलो स्टोन मुझे दिख रहा है तो येलो स्टोन दिख रहा है, येलो स्टोन यहाँ पे आप ऐसे कुछ मैनेज करना चाहो कर सकते हो आप यहाँ पे, तो कलर टोन मिक्स करके आपको लाने की जरूरत है। देखो यहाँ पे आप ऐसे भी प्ले करके देखो कहाँ पे कितना पार्ट आ रहा है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कलर के साथ कैसे प्ले करते हो। ठीक है, तो बेसिक में आपको मैं इतना भी गाइड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। बैकग्राउंड के अंदर मैं यहाँ पे टैप प्रेस कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लाइक ब्लर नाम की चीज़ भी होती है, डेप्थ ऑफ फील्ड होता है ना, तो डेप्थ ऑफ फील्ड में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा ब्लर भी कर देंगे यहाँ पे, हो रहा है नहीं हो रहा है, अब ब्लर लगा नहीं लगा ये भी क्रॉस चेक करने का, ब्लर है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है,
मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है देखना यहाँ पे। ऐसे डेप्थ ऑफ फील्ड देने के लिए हम लोग ऐसे भी करते हैं, भाई मैंने यहाँ पे जो फोटो क्लिक किया है, वीडियो बनाया है, डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ मैंने यहाँ पे काम किया है, तो मैं ऐसे करके बैकग्राउंड में गया, देन मैंने यहाँ पे देखा ओके ये देखो बहुत बढ़िया यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके सब कुछ मैच करने के बाद हम लोग वहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड लेते हैं। तो ऐसे भी करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है।